शहनवाज हुसैन का ताजपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुशील चौबे के आवास पर जोरदार स्वागत किया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार जमीनी स्तर पर काम कर रही है और बिहार के विभिन्न जिलों में बहुत सारे रोजगार पैदा कर रहा है। समस्तीपुर का ताजपुर उद्योग का हब बनने जा रहा है। ये जो लोग कहते थे कि बिहार में उद्योग नहीं लग सकता, वो लोग जो ये मान के बैठे थे कि बिहार में उद्योग का वातावरण नहीं है, उनको निराश करना और आशा की किरण है। पिछला चुनाव उद्योग और रोजगार पे हुआ था और ये सबसे कठिन काम हमारी पार्टी ने मुझे दिया है। मैं केंद्र में अटल जी के साथ काम किया है। चल भैया, मंडल महामंत्री सुशील चौबे जी से अब आग्रह कर के दौरान उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन का ताजपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुशील चौबे के आवास पर जोरदार स्वागत किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं द्वारा शहनवाज हुसैन का जोरदार स्वागत किया गया है। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार जमीनी स्तर पर लगातार काम कर रही है और बिहार के विभिन्न जिलों में बहुत सारे रोजगार पैदा करने का भी काम लगातार किया जा रहा है। तो समस्तीपुर का ताजपुर उद्योग का हब बनने जा रहा है, यह शहनवाज हुसैन ने कहा। तो उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कैसर खान हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। कैसर, उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है और इस दरमियान शहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा पत्रकारों से? जी बिल्कुल, जो समस्तीपुर की आज दरभंगा जाने के क्रम में शहनवाज हुसैन जो है उद्योग मंत्री बिहार के अंदर, उनका जो है कि कार्यक्रम था दरभंगा का, उसी क्रम में समस्तीपुर के अंदर जब रुके कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। एक तरफ जहां लोग जो है कि प्लान कर रहे हैं बिहार के अंदर, वही शहनवाज हुसैन जो उद्योग मंत्री, उन्होंने कहा है कि बिहार के अंदर जो है हम लगातार जो है कि ये उद्योग लगा रहे हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी नहीं होगा, जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें रोजगार मिलेगा। इसी को लेकर आज संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा समस्तीपुर के अंदर। जी न्याज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं एलजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो गया है, जिसमें पशुपति कुमार पारस को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। पटना में हुई पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस फैसले को हरी झंडी भी दे दी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पशुपति पारस ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी में एक नेता एक पद का सिद्धांत है, इसी आधार पर चिराग पासवान को कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया और मुझे निर्विरोध पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया गया। प्रजातंत्र से पार्टी चलती है और प्रजातंत्र से ही देश चलता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब चाचा और भतीजे की बात है तो जब भतीजा तानाशाह हो जाए तो चाचा क्या करेगा। इस बीच उन्होंने पार्टी छोड़कर गए लोगों को दोबारा पार्टी के साथ जुड़ने की अपील की और कहा कि हमारे जो भी साथी पार्टी में किसी बड़े नेता से दुखी होकर पार्टी छोड़कर चले गए हैं, मैं उनसे माफी मांगता हूं। आप सबसे आग्रह है कि सभी लोग हमारी पार्टी में लौट आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो परिवार भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो एलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस को उनके गुट के द्वारा चुन लिया गया है और चाचा पशुपति पारस अब अध्यक्ष बन गए हैं। तो चिराग पासवान को अब पशुपति पारस मनाएंगे या फिर जैसा कि उन्होंने कहा है कि अब परिवार को भी जोड़ने का पशुपति पारस की तरफ से काम किया जाएगा। वहीं झारखंड में किसानों की मांग और केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप मढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में खेतों में एक दिवसीय धरना दिया। धरने के दौरान बीजेपी नेताओं ने अपने संबोधन में प्रदेश की सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। रांची के कांके में विधायक समरी लाल की अगुवाई में भाजपाइयों ने महागठबंधन सरकार को किसानों के खिलाफ वाली सरकार बताया। इस दौरान कांके विधायक के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। पूरे प्रदेश में सभी मंडलों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के साथ मिलकर के संघर्ष कर रही है। इस खेत के माध्यम से हम इस जन विरोधी
जो सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, उसके खिलाफ हम आंदोलन करने का आह्वान कर रहे हैं। आंदोलन जब तक इनका भुगतान नहीं हो जाएगा, जब तक जो इनका ओलावृष्टि से प्राकृतिक आपदा के वजह से जो इन लोगों का जो क्षति हुआ है, लाखों लाखों किसानों का हमारे क्षेत्र में, जब तक उसका भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और हम देख रहे हैं कि हर जगह से हमको जो सूचना मिल रही है, हमारे विधानसभा से हर जगह सैकड़ों किसान खेतों में बैठे हुए हैं, हर जगह कार्यक्रम चल रहा है। और दूसरा कि अभी तक जिस जगह पर आप बैठे हैं सुकरुट्टू गांव में या आसपास के लैंपस में, अभी तक उनको बीज नहीं दिया गया है कि खेती कैसे करें। विरोधी सरकार है, सिर्फ आज जाइए आप दौलत में जाइए, बेकार पैसा। अयोध्या में श्री राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा 2 करोड़ की जमीन ज्यादा दाम में बेचे जाने का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है। इस मामले को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार रूप से प्रदर्शन किया जा रहा है। बीते दिन कांग्रेस के सुल्तानपुर जिला कमेटी की ओर से जिलाध्यक्ष की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया और साथ ही इस मामले में कांग्रेस सदस्यों ने राज्यपाल को संबोधित करते हुए जिले के डीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं रामगढ़ जिले में कोरोना काल में ब्लड बैंक में आई खून की कमी को देखते हुए लगातार रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में पतरातू के PVUNL अंतर्गत CISF यूनिट की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर PVUNL स्थित अस्पताल के CMO CISF के कमांडेंट ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। ब्लड डोनेशन जैसे बोलते हैं एक बहुत पुण्य का काम है और बहुत लोगों की जान बचाने के लिए ज़रूरी है। उसके अलावा थैलेसीमिया से पीड़ित जैसे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको हमेशा जरूर इस समय समय पर थोड़े थोड़े दिनों पर देना रहता है। तो ब्लड डोनेशन जब तक नहीं करेंगे तब तक उन लोगों को फिर देना मुश्किल हो जाएगा। और ब्लड डोनेशन जो लोग डरते हैं कि ब्लड डोनेशन कर देंगे तो हमारा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1-2 महीने के अंदर ही आपका वापस पूरा सारा चीज़ जो होता है ब्लड के अंदर वापस उतना बन जाता है ब्लड, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है ब्लड डोनेशन। जैसे अगर ब्लड डोनेशन आप करते हैं तो आपका भी आप भी ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, इसलिए आप ब्लड डोनेशन। वहीं जिस कानून के लिए आम जन को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, खास लोगों के लिए उसी नियम कानून में चरण वंदना जैसा हिसाब किताब है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है सुल्तानपुर जिले में, जहां मंदिर परिसर में बने दुकानों को ट्रस्टियों के द्वारा जर्जर बताकर तोड़ दिया गया और अब उसी जमीन पर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू करवा दिया गया। इस मामले में स्थानीय कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी की गई। मामले में PIL दर्ज की गई, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कार्य रुकवाने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन की ओर से काम रुकवाया गया। सत्संग भवन के लिए नजूल भूमि के रूप में आवंटित और इसका जो है नजूल भूमि के संबंध में इसका नक्शा पास कराने के लिए विनोद कर्ण क्षेत्र में प्रस्तुत किया गया है और अभी नक्शा स्वीकृत नहीं है। इनको बिना नक्शा स्वीकृत इन्होंने काम शुरू कर दिया है। इनको धारा 10 की नोटिस भी दी गई है। इसके अतिरिक्त इस पे जो है कुछ यहाँ पे पहले दुकानें थी, वो दुकानदार इनसे नाराज़ थे तो वो लोग सिविल कोर्ट गए। सिविल कोर्ट ने भी फरवरी के महीने में इस पे स्टे किया। वहीं बड़े फ्यूल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन की इस कड़ी में शाहजहांपुर में बहुजन समाज पार्टी की ओर से पैदल मार्च निकाला गया। ये मार्च नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय तक निकाला गया। वहीं इसके बाद मजिस्ट्रेट राजेश कुमार को 2 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। इन मांगों में पेट्रोल पदार्थों पर लगे टैक्स को कम करने और बढ़ते कीमतों को वापस लेने की मांग की गई। कराना चाहती है, जिसके कारण वर्तमान समय में वहीं कन्नौज जिले में ऑन फील्ड पुलिस कर्मियों के विरोध
और अन्य हिंसक प्रदर्शन से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस की टीम ने विरोध प्रदर्शन किया और उनसे निपटने के लिए तमाम उपायों का अभ्यास भी किया। वहीं इस दौरान लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया और साथ ही कर्मियों को पैलेट गन का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया सिखाई गई। इस दौरान मौके पर पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। जनपद कन्नौज में आज शुक्रवार की जो परेड होती है उसमें आज दंगा नियंत्रण ड्रिल का रिहर्सल किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारे फील्ड में जो पुलिसकर्मी तैनात हैं उनको बुला करके उनका भी एक रिहर्सल करा दिया जाए ताकि किसी भी प्रकार की प्रतिकूल कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने में वे अपने आप को सक्षम। वहीं तेज बारिश के कारण नेपाल से आने वाली नदियों से में बढ़े जलस्तर का असर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। बात करें अगर महाराजगंज की तो जनपद के कई इलाकों का हाल काफी भयानक है। कई इलाकों में तो तैयार फसल भी जलमग्न हो चुकी है। जिले के तमाम छोटी बड़ी नदियां खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की तैयारियां काफी नहीं दिख रही हैं। प्रशासन की ओर से अब तक इलाके के बांधों का मरम्मत नहीं करवाया गया है। सरहदी इलाके के लोग बेहद डरे समय है। वजह है नेपाल के पहाड़ी इलाकों में भारी वर्षा का होना। जब नेपाल में भारी वर्षा होती है तो नेपाली नदियां अपने उफान पर आ जाती हैं और जब वे भारत में प्रवेश करती हैं तो बिहार सहित यूपी में तबाही मचा देती हैं, जो सैकड़ों एकड़ फसलों और जंगलों को अपने आगोश में समा लेती हैं। यही हाल इन दिनों महाराजगंज जनपद का है, जहां महानाला चार जगहों से टूट चुका है तो वहीं नारायणी नदी 2 लाख अधिक के क्यूसेक से जल स्तर बह रहा है, जो लाल खतरे के निशान से बेहद ऊपर है, जिसने स्थिति को भयावह बना दिया है, जिसने सैकड़ों एकड़ जंगलों सहित फसलों को अपने आगोश में समाहित कर लिया है और अब गांव की ओर बढ़ रही है। इसका मुख्य वजह है जिला प्रशासन का नाकाफी इंतजाम। समय रहते जिला प्रशासन ने बांधों की मरम्मत कराई होती और बांधों का दौरा किया होता तो यह स्थिति न पैदा होती और न ही लोगों को इस प्रकार की कोई क्षति होती। यूपी के जनपद महाराजगंज से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। वहीं सोनभद्र में 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। दुधी के लौवा नदी में बढ़ने से सैकड़ों गांवों का संपर्क मार्ग बह गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही संपर्क मार्ग को दुरुस्त किया गया पर बारिश में एक बार फिर यह मार्ग बह गया, जिससे लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अब डबल ट्रिपल काम करना पड़ेगा, मटेरियल भी बह गया, और मानसून की लगातार बारिश होने से पटना में जल जमाव से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गई है। गंगा नदी में तेज बहाव के कारण फतुहा स्थित कच्ची दरगाह के पास पीपा पुल खोल दिया गया है। इस पुल के खोले जाने से पटना से रघोपुर दियारा का संपर्क टूट गया है। पुल के खोले जाने से अब आवागमन जोखिम भरे ढंग से नाव के माध्यम से किया जा रहा है। नाव से सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि कार और दोपहिया वाहनों को भी इस पार से उस पार लाकर मोटी रकम वसूली जा रही है। दियारावासी को बहुत कष्ट है, जो आप अच्छी तरह अपने नजर से भी मीडिया आप लोग के देन है कि यहाँ का कुछ न्यूज भी दे देता है, अन्यथा कोई मीडिया भी नहीं आके यहाँ कोई सूचना दे कि राघोपुर की क्या स्थिति है। आप देख लीजिए मतारी बहन भाई बंधु किस तरह से नाव पर जा रहे हैं, आप देखते रहिए कि किस तरह से किस परिस्थिति में लोग जा रहे हैं। देखिए पढ़ने वाली बच्ची, पढ़ने वाली बहन, माताएं, सभी बाजार लगन पाती का दिन है। आप बताइए कि किस तरह से शादी ब्याह में लोग जाना असंभव समझते हैं। बहुत बराती तो ऐसा हो जाता है रजनी जी कि रात में यहाँ लोग कहते हैं कि मैं बराती लेके नहीं। वही मोकामा के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की स्मृति को महफूज रखने का युवाओं ने बीड़ा उठाया है। राष्ट्र कवि के जर्जर और ध्वस्त छात्रावास की रंगाई पुताई की जा रही है, साथ ही छात्रावास कक्ष नंबर 22 में पुस्तकालय खोलने की भी सराहनीय पहल की जा रही है। बता दें कि कक्ष नंबर 22 में ही रहकर दिनकर ने मोकामा घाट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, पर उचित रख रखाव के अभाव में राष्ट्रकवि की स्मृति और शेष इतिहास के पन्नों से सिमटने लगा।
विद्यालय में हमारे देश के महान राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी इसी विद्यालय से शिक्षा प्राप्त किए हैं और ये इसी छात्रावास में रहते थे, कमरा नंबर 22 में। इन्होंने यहाँ पर अपना शिक्षा प्राप्त किया और हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हम लोग मोकामा घाट निवासी इस राष्ट्रीय धरोहर को बनाए रखने, स्मृति को बनाए रखने के लिए अपना जो भी योगदान है दे रहे हैं। वही मुजफ्फरपुर में सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के बहाल अस्थायी कर्मी को हटाए जाने से नाराज सैकड़ों कर्मी ने सदर अस्पताल का मेन गेट को बंद कर हंगामा किया और सड़क जाम कर दिया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस को भी कर्मियों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। बता दें कि सड़क जाम से यातायात पूरी तरह बाधित हो गई। कर्मी अस्पताल के मेन गेट को बंद करके प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह सुबह जिला प्रतीक्षण कार्यालय घेराव की वजह से टीकाकरण अभियान भी प्रभावित हो गया। बता दें कि जिलाधिकारी के आदेश पर सिविल सर्जन ने सभी को चयन मुक्त करने का आदेश जारी किया है। वही मुजफ्फरपुर में शराब बरामदगी के लिए छापेमारी के दौरान पीड़ित परिवार के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देकर घर में रखे 52 लाख रुपए ले जाने के आरोप में 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज होगी। कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए छापेमारी दल में शामिल 8 नामजद और 10 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ कर्जा थाने में एक FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। और मुंगेर जिले में बारिश का चौतरफा कहर देखने को मिल रहा है। जगह जगह हुए जल जमाव से रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। बारिश के कारण मिट्टी खिसकने से जमालपुर भागलपुर रेलखंड अंतर्गत बरियारपुर और कल्याणपुर स्टेशन के बीच डाउन रेल पटरी धंस गई। पटरियों को पहुंची क्षति से ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही ट्रैक मेंटेनेंस के कर्मचारियों ने रेलवे ट्रैक दुरुस्त होने तक इस मार्ग को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया है। वहीं पूर्वी चंपारण जिले में बंजरिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को स्थानांतरित किए जाने के फैसले को लेकर स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। कुछ माह पूर्व सांसद और अन्य अधिकारियों के द्वारा अस्पताल को शिफ्ट किए जाने के फैसले को वापस लेने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन बीते दिन एक अखबार के माध्यम से शिफ्ट किए जाने की खबर मिलने के बाद लोग लगातार रूप से अस्पताल को वापस बंजरिया लाने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनका ये इलाका बाढ़ प्रभावित है और बाढ़ के समय में ये स्वास्थ्य केंद्र के लिए काफी लाभदायक साबित होता है। मांग है बंजरिया प्रखंड का अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र है। संसद साहब 2 महीना पहले आए थे, वो बोल कर गए हैं यहाँ का अस्पताल यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, आश्वासन देकर गए। अभी हम लोग का पेपर के माध्यम से मालूम चला है से यहाँ से हॉस्पिटल यहाँ से कागजाती प्रक्रिया के हिसाब से जा चुका है। यहाँ से रोहिनिया पंचायत में बोरहवा कोई गाँव है वहाँ पर जा रहा है। तो हम लोग का कहने का मांग यही है, तो बाढ़ क्षेत्र इलाका है वहाँ पे पानी 3 महीना बरसात में भरा रहता है, यहाँ से मरीजी कैसे जाएगा उधर, यही सब हम लोग का मांग। वही समस्तीपुर में लगातार चोरी की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं। जिले में चोरी की नई वारदात बीते दिन सामने आई है, जहां चोरों ने शहर के मूलचंद रोड में खरीदारी करने के लिए गए रेलवे कर्मचारी को अपना निशाना बनाया। चोर पीड़ित कर्मचारी का पीछा करते हुए दुकान में गए और पैसे से भरा कर्मचारी का बैग लेकर फरार हो गए। बैग में लगभग 1.5 लाख रुपए थे, तो पीड़ित ने अपने निजी काम के लिए निकाले थे। इस मामले में मौके पर पहुंची पुलिस CCTV के आधार पर मामले की जांच कर रही है। बैंक से, स्टेट बैंक से पैसा निकाल के मार्केटिंग किए, फिर आके अमित जी के दुकान के बाहर बैठे और पानी पीने के लिए अंदर आए। अमित जी बोल रहे थे आके अंदर, भैया अंदर ही आ जाइए, लेकिन हम पानी पी के आए और फिर जब लौटे तब तक जो है सज्जन जो है वो कैमरा में देखा गया कि बैग लेके भाग रहे हैं। कितना पैसा था बैग के अंदर? बैग में करीब 1.35
1,35,000 के आसपास। और बिहार के अन्य जिलों की तरह समस्तीपुर में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। तेज बारिश से बढ़े नदियों के बहाव के कारण जिला रोसड़ा अनुमंडल में शिवाजी नगर प्रखंड मुख्यालय को वार्ड नंबर 10 से जोड़ने वाला पर्क टूट गया है। इस संपर्क से टूटने से लोगों में मुखिया के प्रति खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। आक्रोश का कारण ये है कि नियमित रूप से मुखिया से पक्कीकरण की मांग किए जाने के बावजूद इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई है। फिलहाल इस वार्ड में वाहनों का आवागमन बाधित हो चुका है। मदद मांगा तो मट्टी हमको भर दिया, लाया प्रदीप मुखिया आया तो मट्टी कट को ले गया, तो हम लोग 10 घर औरत मिल को आया, मरद तो बाहर भीतर में था, हम लोग आया जो हमको मट्टी नहीं काटिए, इतना रास्ता था छोड़ दिए, तो वो लोग पूरा झुंड लेकर आया मार को करने के लिए, मारने के लिए। वहीं मुंगेर में लगातार हो रही बारिश के कारण आम लोगों से लेकर सरकारी कर्मचारियों की समस्या बढ़ गई है। बारिश के कारण हुए जलजमाव से संग्रामपुर ब्लॉक कार्यालय में बारिश का पानी घुस गया है। कार्यालय में बने आधार सेंटर में 2 फीट से ज़्यादा पानी जमा हुआ है। जलजमाव से कर्मचारियों को काम करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए बीडीओ ने बताया कि मनरेगा के तहत कार्यालय के प्रांगण में मिट्टी का भराव किया जाएगा। इस काम के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। जो पानी घुसा हुआ है, इसकी एक्चुअली है क्या कि ये लो लैंड जमीन जो है ना, वो जमीन नीचा हो गया, अगल बगल बिल्डिंग बन गए हैं, तो ये इसीलिए बरसात पानी जमा हो गया और इसकी निकासी के लिए हालांकि नाला बना हुआ है, परंतु मतलब कि वो प्रॉपर कुछ डाउन वार्ड हो गया है, ये जमीन जो है इसी का पानी निकासी हो नहीं पा रहा है, और इसके लिए हम लोग जो है ये जमीन को ऊपर करने के लिए, फिलअप करने के लिए मनरेगा के माध्यम से बात किए हुए हैं, और इसका प्रस्ताव भी कहते हैं जिला DDC महोदय को इसका बल्कि गया वहां से, ताकि मिट्टी फिलिंग होकर इसको अब किया जा सके, वहां से फिर फाइनल पर इसके बारे में आगे थोड़ा काम होगी। ये तो बरसात का पानी है, पास बारिश हुई तो पानी है। और दुमका पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है और साथ ही पुलिस ने 5 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि यह शराब लगभग 93,000 की बताई जा रही है। मसलिया थाना क्षेत्र में 2 गाड़ी संदिग्ध रूप से जा रहे थे, सूचना के अनुसार उसमें अवैध रूप से इलिसिट लीकर था जिसे पुलिस ने जब्त किया है। एक कंटेनर है और एक ट्रक है, दोनों में करीब 2000 पेटी के करीब इलिसिट लीकर है जिसे, और साथ में 5 व्यक्ति हैं जो कि साथ में ले जा रहे थे। इनका मकसद था कि बिहार में इस जो अवैध शराब है उसको वहाँ पर खपाने का, वहाँ पर और माफिया के जरिए वहाँ भेजने का और अवैध रूप से वहाँ पर संचालन करने की बात आ रही थी, तो इसी क्रम में अवतर कार्रवाई की जा रही है। और कटिहार पुलिस ने गश्ती के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक अवैध हथियार की तस्करी करता था जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फंसाया गया है, हम रास्ते से जा रहे थे, पकड़ करके सब पब्लिक मूवमेंट बना दिया, मेरे पास कोई हथियार नहीं था और प्रशासन को बुला करके हथियार थमा दिया गया कि इन्हीं के पास से निकला। कल राति लगभग 8:35 बजे थाना अध्यक्ष सहायक संजय कुमार अपने सभी सशस्त्र बल के साथ संध्या गश्ती कर रहे थे और इसी क्रम में ललियाही चमरटोली के पास वाहन लगा करके वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी क्रम में एक गाड़ी जो मारुति सुजुकी थी उसको देखे, तो गाड़ी को लगा दी कुछ इसमें कुछ है, तो इसी क्रम में उसमें बैठे गाड़ी को चेक किया, उसमें जो व्यक्ति था उस व्यक्ति को पूछताछ किया, उसको चेक किए, उसके पास से 1 देसी पिस्तौल और 5 7.65 बोर का गोली बरामद हुआ, एक गाड़ी बरामद हुआ, उसके पास से काफ़ी संख्या में ATM कार्ड, 2 चेक, उसके अलावा में